सामने में आप देख रहे हैं ह्यूंडई की शोरूम है, यूनियन ह्यूंडई। यहाँ पे जो है जमशेदपुर के कालीमाटी रोड में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ी ह्यूंडई की लगी हुई है। सामने में एक गाड़ी डिलीवरी के लिए भी लगी हुई है। आज बात करने वाले हैं हम लोग ह्यूंडई वेन्यू के बारे में, जो 2022 की फेसलिफ्ट वर्जन आई है। तो चलिए अंदर में बात करते हैं सारी चीज़ डिटेल्स में और बताते हैं कि ह्यूंडई वेन्यू 2022 फेसलिफ्ट वर्जन कैसी है और सारी चीज़ यहाँ पे होती है शुरू। हमारा ह्यूंडई का जो फ्रंट से जो लुक है काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे लग रहा है। सारा टेल लैंप आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका सारा सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा डिज़ाइन मस्त यहाँ तक ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको की देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर सनरूफ भी दिया जाता है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा सनरूफ। ये 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, पेट्रोल और डीजल दोनों में। सामने आप देख रहे हैं ये है ह्यूंडई वेन्यू की SX मॉडल पेट्रोल वर्जन 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ जो आती है। यहाँ पे आपको 6 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं वेन्यू के, ES, S प्लस, S ऑप्शनल, SX और SX ऑप्शनल। एक्स शोरूम की बात करें SX की, तो यहाँ पे आपको 10.70 लाख में एक्स शोरूम स्टार्ट होता है। और ऑन रोड की बात करें तो यहाँ पे आपको 12.23 लाख की ऑन रोड प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 कलर्स मिलते हैं, फैंटम ब्लैक, फेरी रेड, पोलर वाइट, टाइफून सिल्वर, टाइटन ग्रे, डेनिम ब्लू, फेरी रेड ब्लैक, डुअल टोन में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पावर की बात करें इंजन की, तो यहाँ पे आपको 83 PS की यहाँ पे 6000 RPM पे देखने को मिलता है। टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 114 न्यूटन मीटर की टॉर्क 4000 RPM पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सामने में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक आपको देखने को मिलता है। जहाँ आपको विड्थ की बात करें तो 1770 mm की आपको विड्थ देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। सराउंड किया गया LED DRLs यहाँ पे आप देख सकते हैं LED। यहाँ पे आपको कॉर्निंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। ऊपर में आपको हेलोजन बल्ब में आपको साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है। बॉनेट देख सकते हैं कुछ इस तरह से मस्त सा यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई फॉग लैंप्स यहाँ पे तो नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मोटा मोटा यहाँ पे क्रोम का फिनिश किया गया। ग्रिल्स यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएंगे। ह्यूंडई की बैजिंग यहाँ पे की गई है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगो देखने को मिल रहा है ह्यूंडई की। आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगा सिल्वर कलर की, जो मैट फिनिश में आपको देखने को मिलता है। बहुत ही मस्त लग रहा है फ्रंट से और यहाँ पर बहुत ही शानदार लुक आ रहा है सामने से, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फिलहाल आप तो जानते हैं ये है सब 4 मीटर SUV, जहाँ पे आपको लेंथ देखने को मिलेगा 3995 mm की। यहाँ पे बात करें हाइट की तो आपको यहाँ पे 16-17 mm की हाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2500 mm की व्हील बेस देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको अपोलो के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, स्टील रिम देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको कवर्स दिए जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 195/65 R15 15 इंच के यहाँ पे टायर्स दिए जाते हैं। बात करें यहाँ पे ORVMs के, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बॉडी कलर में ही ORVM आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे ए पिलर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर में आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे सिल्वर कलर की ग्लॉसी फिनिश में। बी पिलर आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डोर हैंडल्स की बात करें तो देखेंगे तो आप बॉडी कलर में ही डोर हैंडल्स दिए जाते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 45 लीटर्स की पेट्रोल टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बैक में ब्लैक पियानो फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी मस्त यहाँ पे साइड प्रोफाइल भी है, जो काफ़ी अपने में बेहतरीन है, मस्त है। तो भाई रियर की बात करें तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जहाँ ऊपर में बात करें तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना दिया जाता है और नीचे में यहाँ पे आपको दिया जाता है हाई स्टॉप टेल लैंप और ये है डिफॉगर विदाउट एनी रियर वाइपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको रियर टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी शानदार। यहाँ पे तो आपको साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। नीचे में आपको यहाँ पे दिया गया रिवर्स लैंप और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे, 1 और यहाँ पे 2। और यहाँ पे देखने को मिलेगा ह्यूंडई की बैजिंग, जो अच्छा खासा यहाँ पे लग रहा है, बड़ी बड़ी सी वेन्यू की यहाँ पे बैजिंग की गई है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे फॉन्ट्स है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे मस्त क्रोम फिनिश की गई है। SX की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है, काफ़ी मस्त
और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको स्किड प्लेट कुछ इस तरह से मैट सिल्वर फिनिश में, बहुत ही शानदार यहाँ पे रियर लुक आ रहा है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्लीक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा रियर टेल लैंप्स के, काफ़ी मस्त यहाँ पे नाइट में बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता है जब गाड़ी रोड पे चलती है, काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस यहाँ पीछे से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश की जो स्टैंडर्ड है ना भाई, बहुत ही शानदार लग रही है यहाँ पे। और इस तरह से कुछ है आपका रियर पूरा प्रोफाइल, बहुत ही मस्त लगा मुझे देख करके, आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। तो भाई अब चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे की चेक करा देता हूँ। देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको की देखने को मिलेगा, लॉक बटन, और यहाँ पे देख सकते हैं ORVMs ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं लॉक करने पे, और अनलॉक करने पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ORVMs अनफोल्ड भी हो जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाते हैं जब ऑटोमेटिक पे आपको यहाँ पे शिफ्ट किया रहता है हेडलैम्प्स का नॉब, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पे से हटा करके, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट बटन, कुछ इस तरह से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको प्रेस करके आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डोर ट्रिम देखने को मिलेगा जहाँ आपको डुअल टोन का फिनिश दिया गया है, ब्लैक और थोड़ा बेज कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर भी देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे तो लीवर आपको देखने को मिलेगा, सिल्वर गार्निशिंग की गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ORVMs के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, राइट लेफ्ट दोनों आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आपको डोर लॉक बटन्स दिए गए हैं, लॉक अनलॉक दोनों, और ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से डोर ट्रिम है, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर में और बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको सीट्स एडजस्टेबल करने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिक्लाइन करने का ऑप्शन दिया जाता है, कुछ इस तरह से हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे दिया गया है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन की सीट्स देखने को मिलते हैं, बेज और ब्लैक कलर की यहाँ पे फिनिश दी गई है, और काफ़ी अच्छा प्रीमियम फैब्रिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे थाई स्पेस भी आपको मिल जाता है। चलिए बैठ के देखते हैं क्या सब है और शुरू करते हैं इंटीरियर का यहाँ पर सारा चीज़। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंटीरियर की। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं, डुअल टोन में आपको यहाँ पे पूरा फिनिश दिया गया है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बेज और ब्लैक कलर की यहाँ पे फिनिश दी गई है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको टेक्स्चर देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आपको बेज कलर की यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है, डुअल टोन का मस्त यूज़ किया गया है। प्लस यहाँ पर आपको एयरबैग्स की भी ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 एयरबैग्स आते हैं इस गाड़ी में, फ्रंट में पैसेंजर और यहाँ पर ड्राइवर साइड आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील की। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप में आता है, व्हाइट कलर की स्टिचिंग यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे हॉर्न सेक्शन पे आपको हुंडई की लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिश में, काफ़ी शानदार लग रहा है। और इस तरफ बात करें तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दिए जाते हैं, वॉल्यूम अप, गाना आगे बढ़ाना, पीछे करना, प्लस यहाँ पे इन फोन के भी सारे सिस्टम आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ बात करें तो आपको MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सारे कंट्रोल्स इस तरफ देखने को मिल जाते हैं, जो मैं आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की गार्निशिंग की गई है, और यहाँ पर डी कट के यहाँ पर दिया गया है स्टेयरिंग व्हील, जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक की बात करें, एडजस्टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आपको सिर्फ यहाँ पे टिल्ट होता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो MID में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको सारा चीज़ देखने को मिलता है, गाड़ी कितना चल चुका है, कितना टाइम तक चला है, और यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, डायरेक्शन शो कर रहा है, प्लस यहाँ पे TPMS का फीचर्स भी देखने को आपको मिल जाता है। नीचे में आपको टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कुछ सारा चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन्स, यहाँ पे हेडलैम्प्स लेवलर देखने को मिल जाते हैं। नॉब्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और प्लस साइड इंडिकेटर्स के नॉब इस तरफ दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो है वाइपर्स के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर नॉब देखने को मिल जाता है। तो बात करें यहाँ पे थाई स्पेस की, तो आप देख सकते हैं थाई स्पेस तो काफ़ी अच्छा एक्यूरेट यहाँ पे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ड्राइव करने में, काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव यहाँ पे होने वाला है। नेक रेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल नेक रेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस तरफ भी, और ड्राइवर साइड आपको तो दिया नहीं जाता है। वाइजर की बात करें तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर दिया जाता है, यहाँ पर आपको माइक दिया जाता है, पैसेंजर साइड में आपको मिरर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेड यहाँ पे ORVMs देखने को मिलेगा, SOS का यहाँ पे बटन दिया जाता है, यहाँ पे आपको मिलेगा हेलोजन लैंप, केबिन लैंप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सनरूफ भी दिया जाता है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं,
कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा सनरूफ, ये पूरा ओपन हो जाता है, छोटा सा स्पेस है, ज़्यादा तो नहीं है, एक छोटा बच्चा यहाँ से आराम से निकल के मज़े ले सकता है। चलिए इसको करते हैं बंद, वन टच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंद हो जाता है सारा सिस्टम, ठीक है। और ये जो है कर्टन, इसको बंद कर दीजिए यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। काफ़ी यहाँ पे फीचर लोडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको दोनों देखने को मिल जाता है यहाँ पे। 8 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पे मैप, नेविगेशन, फ़ोन, यहाँ पे क्लाइमेट, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, रेडियो, मीडिया, ब्लू लिंक, मैनुअल, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर में आपको टाइम, डेट, टाइम, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वॉल्यूम के नॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मैप, नेविगेशन, प्लस यहाँ पे सारे चीज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे में, तो आप देख सकते हैं हेजार्ड लैंप के यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। नीचे में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पे सारे सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, प्लस यहाँ पे आपको सारा फ़ैन का स्पीड यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का यहाँ पे बटन्स दिए जाते हैं। नीचे में बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पावर आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे फास्ट चार्जर का ऑप्शन दिया जाता है। नीचे में आपको वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है। प्लस बात करें यहाँ पे सेंटर कंसोल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बेज कलर की यहाँ पे सराउंडिंग है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लेदर के यहाँ पे कवर भी दिया जाता है। यहाँ पे बात करें तो छोटा सा स्पेस दिया गया कॉइन्स रखने के लिए, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाता है, हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे छोटा सा स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल रखने का स्पेस दिया जाता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख करके। नीचे में बात करें तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स आपको कूल देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको डेडिकेटेड डेड पैडल्स इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ फ्रंट का कॉकपिट होता है कंप्लीट, मुझे काफ़ी मस्त लगा प्रीमियम। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए करते हैं यहाँ पे ख़त्म फ्रंट का कॉकपिट, और यहाँ पे करते हैं सीट को एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे चलते हैं बैक सीट पे और जानते हैं कि बैक सीट में आपको क्या स्पेस दिया जाता है। तो भाई रियर डोर की बात करूँ ना मैं, तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन का रियर डोर देखने को मिलेगा सेम एज फ्रंट, और यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के बटन देखने को मिलते हैं, और ये है आपका लीवर मस्त यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे में आपको ये है स्पीकर ग्रिल्स, यहाँ पे आपको वाटर बोतल होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाता है छोटा सा, और कुछ इस तरह से डोर है। और चलते हैं अंदर में और बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको सीटिंग कंफर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे रियर सीट की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको सीटिंग कंफर्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थाई स्पेस की बात बता दूँ, तो यहाँ पे थाई स्पेस कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, थाई स्पेस मस्त है। और यहाँ पे देख सकते हैं नी स्पेस की बात करूँ तो फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, यहाँ पे फिर भी आपको इतना स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है पीछे साइड में। नीचे में बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं एसी के वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको फ्लो के व्हील्स दिए गए हैं। नीचे में आपको पावर आउटलेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, फास्ट चार्जर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये जो हम्प है काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम्प दिया गया है बड़ा सा, और यहाँ पे बीच में बैठने वाले लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फिलहाल तो ये 5 सीटर है, यहाँ पे ज़्यादा हम्प नहीं बैठ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें यहाँ पे नेकरेस्ट की, तो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नेकरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, सेंटर्ड है, काफ़ी प्रीमियम। यहाँ पे आपको दिया गया है एक हुक, यहाँ पे आप ऐसे करके इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये था सारा चीज़ मामला। बीच में आपको यहाँ पे दिया गया है केबिन लैंप, और यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल्स विथ 1 हुक, यहाँ पे आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है मस्त, यहाँ पे 3 जन यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। तो होता है यहाँ पे रियर सीट का सारा मामला कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ पे बूट स्पेस, चलिए चेक करते हैं क्या सब देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 350 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट किया गया, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है आपका पार्सल ट्रे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे हुक्स के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ जाता है जब आप बूट को रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक हैलोजन बल्ब यहाँ पे दिया गया है बूट के लिए, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील की बात करूँ तो अपोलो के टायर्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, और टायर सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 195/65R15। और यहाँ पे आपको कैमरा प्लेसमेंट यहाँ पे आपको दिया गया है नीचे में देख सकते हैं।
तो ये था सारा चीज़ आपका वेन्यू का SX मॉडल के बारे में। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं सारा चीज़ डिटेल्स, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे जो है। आपका नाम क्या हुआ सर, सबसे पहले बताइए। तो सर यहाँ पे आप जो है कार्स, जो बहुत सारे कार्स यहाँ पे रखे हुए हैं, फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे वेन्यू SX मॉडल की। तो यहाँ पे अवेलेबल है, कितना वेटिंग चल रहा है, क्या सब चल रहा है, थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। जैसे SX मॉडल अभी हमारे पास ग्रे कलर में अवेलेबल है। अच्छा, और भी कुछ मॉडल्स है, जैसे इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, ई है, एस है, SX है, SX है, SX ऑप्शनल है, एस प्लस, तो मॉडल टू मॉडल वेरी करेगा। अच्छा, तो ये पेट्रोल वेरिएंट जनरली 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल। तो यहाँ पे लोकेशन थोड़ा सा बता देंगे कि अगर किसी को लेना होगा तो फिर वो कहाँ पे आएगा? काली माटी रोड आ करके यदि साक्षी में कोई भी पूछता है इंडियन हुंडई कहाँ है, तो इजीली कोई भी बता देगा। काली माटी रोड में मेन रोड के ऊपर ही सागर होटल के बगल में। ठीक है, बाकी सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया जाएगा, सारा चीज़ डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारा लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है काली माटी रोड, और यहाँ के जो एम्प्लॉय यहाँ पे आपको सारा चीज़ बता देंगे, बहुत ही कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे आकर के सारा डिटेल्स ले सकते हैं कोई भी कार अगर आपको लेना हो तो। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टिल देन, गुड बाय।